मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्य पत्रक 29 और साथ में हम हल करेंगे हिंदी कार्य पत्रक 30 जो कि आपको मिले हैं बुधवार और शुक्रवार को। नेताजी का चश्मा पाठ हम पढ़ चुके हैं और नेताजी का चश्मा पाठ से पिछले कुछ कार्य पत्रक आपसे पूछे गए हैं। कार्य पत्रक 29 में भी नेताजी का चश्मा पाठ से एक हमारे पास गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। यह हमारा पठित गद्यांश है इसलिए हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए इसे पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताता है जब हालदार साहब उनसे प्रश्न पूछते हैं। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो यहाँ पर पाठ से हमारी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, सबसे पहले इन्हें हम पढ़ लेते हैं। पान वाला दूसरा पान मुँह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आँखों ही आँखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना मुहावरा है। उसकी तोंद थिरकी यानी कि उसका पेट हिला, बहुत मोटा पेट था। कत्थे की डंडी फेंक, क्योंकि वो पान खाता है तो कत्थे की डंडी के बारे में आप जानते होंगे। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है या बार बार वहाँ पर रियल चश्मा क्यों दिखाई देता है, हालदार साहब के पूछने पर पान वाला उत्तर देता है कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और दर्वित करने वाली। हालदार साहब ये बात सुनकर बड़े ही चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और साथ में ही वो भावुक हो जाते हैं। दर्वित करने वाली बात थी, यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यानी कि जो ये मूर्ति बनाई गई थी ये किसी मूर्तिकार से नहीं बनवाई गई थी बल्कि मास्टर मोतीलाल से बनवाई गई थी और मूर्ति के बनाने वाले का नाम भी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। अब मोतीलाल मास्टर जी के पास ये प्रस्ताव गया होगा मूर्ति बनाने का तो बहुत खुश हो गए होंगे। उनको लगा मेरा नाम होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी और महीने भर में ही उन्होंने मूर्ति बनाकर पटक देना यानी कि जैसे तैसे पूरा कर देना। अब कोई अगर मंजा हुआ मूर्तिकार है तो वो बड़े ही ध्यान से उस मूर्ति को बनाएगा, छोटी छोटी बारीकियों को देखेगा, लेकिन मास्टर साहब मूर्तिकार तो थे नहीं, ड्रॉइंग टीचर थे, इसलिए उन्हें मूर्ति बनाने की ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन एक महीने भर में मूर्ति को पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा क्योंकि मास्टर मोतीलाल कोई मूर्तिकार तो है नहीं, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब पान वाला अपने हिसाब से सोच रहा है कि मूर्ति पर वास्तविक चश्मा क्यों नहीं था, जब मूर्ति को पत्थर से बनाया गया था तो उसी पत्थर का चश्मा क्यों नहीं था, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ, यानी कि पान वाला ये सारी बातें सोचता है, क्या सही है क्या गलत है ये हमें नहीं पता। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, बड़ा ही विचित्र यानी कि अजीब सा लग रहा था और साथ में वो जानना चाहते थे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। अब हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित होते हैं, उसके काम से बहुत प्रभावित होते हैं और पूछते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला, जैसा कि उसके नाम में कैप्टन है, तो कोई नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, वो जानना चाहते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुँह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसमें व्यंग छिपा हुआ है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, कि साधारण जो नागरिक होता है वो किसी की देशभक्ति की इज्जत नहीं करता है, उसको सम्मान नहीं देता है, सिर्फ मजाक बनाता है। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है।
आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो ये व्यंग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पान वाला कैप्टन की देशभक्ति को कुछ भी नहीं समझता है। हालदार साहब हालांकि उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, और ऐसा हमारे आसपास भी होता है। अगर कोई साधारण सा व्यक्ति कुछ नया काम करता है, देश के हित में काम करता है, तो उसकी बुराई करने वाले, उसका मजाक बनाने वाले सबसे पहले आगे आते हैं, उसका साथ देने वाले, उसके काम की प्रशंसा करने वाले सबसे पीछे रहते हैं। तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है, उसके पीछे लोग उसका मजाक बनाते हैं। पान वाला किस तरीके से कहता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका। ये हमारी नेताजी का चश्मा पाठ से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी थी। हालदार साहब जब पान वाले से पूछते हैं कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो इसका उत्तर देते हुए पान वाला कहता है, मास्टर बनाना भूल गया। अब मास्टर बनाना भूल गया, ये पान वाले के लिए एक मजेदार सी बात थी, लेकिन हालदार साहब इसके बारे में गहराई से सोचते हैं, और वो जो अनुमान अपने मन में लगा रहे थे कि मूर्ति के नीचे मोतीलाल मास्टर जी का नाम लिखा हुआ है, वो बात उनको अब समझ में आ गई कि ये मूर्ति किसी मूर्तिकार से नहीं बनवाई गई, बल्कि एक अध्यापक से बनवाई गई है, जिसका नाम है मास्टर मोतीलाल। तो ये बात कौतुक भरी थी, वो हैरान थे कि मूर्तिकार से मूर्ति ना बनवाकर किसी अध्यापक से, किसी मास्टर से मूर्ति क्यों बनवाई। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा भाव झलकता है। मास्टर मोतीलाल मूर्ति बनाने के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब उनको कहा गया कि उनको मूर्ति बनानी है और बहुत जल्दी ये काम पूरा करना है, उनको सही समय भी नहीं दिया गया, बहुत जल्दबाजी में उसे काम पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि भी नहीं मिली होगी, किसी स्थानीय कलाकार ने ही उसे कम समय में तैयार करने का विश्वास दिलाया होगा, कम पूंजी एवं कम समय के कारण उत्कृष्ट कलाकारिता के अभाव में बिना सूक्ष्म तथ्यों का ध्यान रखे किसी तरह मूर्ति बनाकर पटक देना, यानी कि किसी भी तरह से उसको जल्दी में पूरा कर देना। तो यहाँ पर मोतीलाल मास्टर जी भी ऐसा ही करना चाहते थे, वो किसी भी तरीके से उस मूर्ति को जल्दी से बना देना चाहते थे, क्योंकि वो उसकी जानकारी नहीं रखते थे, मूर्ति कैसे बनाई जाती है, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में उनको नहीं पता था। तो यही भाव यहाँ पर नहीं था कि जैसे तैसे मूर्ति को बनाकर पटक दिया जाए। अगला प्रश्न है, पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है। ये उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो किसी के अच्छे कार्य की सराहना नहीं कर सकते, बस उनका मजाक बना सकते हैं, बिना किसी भाव के, बिना सोचे समझे किसी का भी मजाक बनाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन समाज में मजाक बनाने वालों की वजह से उनका मनोबल गिर जाता है। पान वाला यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता है, वो उसके काम की ना ही सराहना करता है, बल्कि मजाक बनाता है, और हालदार साहब से कहता है कि फोटो छपवा दो उसका कहीं पर, क्योंकि वो ना ही किसी सेना का सिपाही है और ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है, वो तो पागल है, एक लंगड़ा है, फेरी वाला है, और उसका इस तरह से पान वाला मजाक बनाता है। तो एक ऐसी मानसिकता है, एक बीमार मानसिकता है, जिसको हमें बदलने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा, उनकी इस जिज्ञासा का कारण क्या था। हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में पूछा कि ये कोई सिपाही तो नहीं है, नेताजी का कोई साथी तो नहीं है, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही तो नहीं है। ये बातें वो जानना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन के व्यवहार से वो बहुत प्रभावित हुए, और उनको लगा कैप्टन एक सच्चा देशभक्त है, जो बिना किसी स्वार्थ के और एक फेरी वाला होते हुए भी, लंगड़ा होते हुए भी, नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलता है, ये उसकी सच्ची देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में ये बात पूछी कि क्या वो किसी सेना का सिपाही है, उनकी ये जिज्ञासा का कारण क्या था, क्योंकि वो कैप्टन चश्मे वाले के में जानना चाहते थे। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की टिप्पणियाँ की जानी चाहिए। हालदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के प्रति आदर था, जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था, तो उन्हें लगा कि वे नेताजी का कोई साथी।
लेकिन पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है, वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाले द्वारा कैप्टन की हंसी उड़ाना उचित नहीं था। इस तरह से पान वाले के द्वारा कैप्टन की हंसी उड़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें लगता है उसका यह व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसने नेताजी की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा किया, बार बार उस पर चश्मा लगाया। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति सम्मान नहीं था, जो कि होना चाहिए। उसे केवल अपना पान बेचने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए था। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी का मजाक बनाने का और किसी का मनोबल गिराने का कोई अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसा भी व्यक्ति था, लेकिन उसकी सच्ची देशभक्ति इस बात से हमें दिखाई देती है। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। आप अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। मूर्ति बनाकर पटक देना यानी कि जैसे तैसे काम पूरा कर देना। नगरपालिका यहाँ पर एक मूर्ति लगाना चाहती थी, साथ में उसके पास अधिक धन भी नहीं था और कम समय में वो काम पूरा करना चाहती थी और साथ में सुर्खियाँ बटोरना चाहती थी, अपने काम की प्रशंसा भी पाना चाहती थी। इसीलिए उसने किसी मूर्तिकार को नहीं कहा और बहुत ही कम समय में मास्टर मोतीलाल से ये मूर्ति बनवा ली। तो यहाँ पर स्पष्ट व्यंग है कि पालिका किस तरह से अपने कार्य को पूरा करती है। मूर्ति बनाकर पटक देने के भाव के पीछे नगरपालिका पर सीधा सीधा व्यंग किया गया है कि वो किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से पूरा नहीं करना चाहती, बस औपचारिकता दिखाना चाहती है। औपचारिकता के तौर पर मूर्ति को पूरा करवा दिया गया था। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये कुल हमारे 6 प्रश्न दिए गए थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। इस कार्यपत्रक में इतने ही प्रश्न थे, आप इन्हें पूरा कर लेंगे। आइए दूसरा कार्यपत्रक भी साथ साथ देख लेते हैं, कार्यपत्रक 30। ये हमारा कार्यपत्रक 30 है, जो कि 17 सितंबर को आपको मिला है और ये सूरदास के पद पाठ के ऊपर आधारित है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पद 1, पद 2 और पद 3 की व्याख्या की थी और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यहाँ पर हमारा अंतिम पद दिया गया है, सूरदास जी के पद जो पाठ है उसमें हमारा चौथा पद यहाँ पर दिया गया है। आइए इस पद को पढ़ लेते हैं और साथ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य से, उनकी रचना भ्रमर गीत से ये हमारा पाठ लिया गया है। पद को पढ़कर भावार्थ के आधार पर समझेंगे और उसमें प्रयुक्त काव्यगत सौंदर्य से भी परिचित होंगे। यहाँ पर इस पद से संबंधित अपरिचित शब्द यानी कि शब्दार्थ भी दिए गए हैं। मधुकर किसके लिए प्रयोग किया गया है? भंवरा और वैसे व्यंग के तौर पर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। परहित होता है दूसरों के भले के लिए, हित यानी कि भलाई, पर यानी कि दूसरों की। अनीति क्या होती है? जो नियम के खिलाफ होती है, गलत बात को हम क्या कहते हैं? अनीति की बात कहते हैं। यहाँ पर हमारा पद दिया गया है जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हरी है राजनीति पड़ी आई। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो राजनीति की बातें पढ़कर आ गए हैं। समूची बात कहत मधुकर के, मधुकर यानी कि भंवरा और उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं, समूची बात कहत मधुकर के, उद्धव ने जो बातें हमें कही हैं वो सारी बातें हम समझ गए हैं। समाचार सब पाए और सारे समाचार हमें मिल गए हैं। जो संदेश या समाचार श्री कृष्ण हम तक पहुँचाना चाहते थे, उद्धव के माध्यम से वो हमें मिल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो बहुत ज़्यादा चतुर यानी चालाक थे पहले ही, बहुत पहले ही, बचपन से ही श्री कृष्ण बहुत ही चालाक और चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, बहुत सारे ज्ञान की बातें जान ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और ऐसे लगता है उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, योग संदेश हमारे लिए भेजा है। पठाए यानी कि भेजा है उद्धव के माध्यम से। उद्धव भले लोग आगे के जो परहित डोलत धाए, हे उद्धव वे लोग भले होते थे, सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित के लिए, परहित यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए, अब अपने मन फेर पाइए, अब हम अपने मन को दोबारा से प्राप्त कर लेंगे, यानी कि श्री कृष्ण से अपना मन हम फेर लेंगे, अब उनका ध्यान नहीं करेंगे। हमें ये आशा थी कि वो जरूर आएंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। हे उद्धव, अब हम अपना मन फिर से प्राप्त कर लेंगे। हमारा मन बार बार श्री कृष्ण के पीछे ही लगा रहता है, उन्हीं के इंतजार में लगा रहता है। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद, क्योंकि उन्होंने तो राजनीति की बातें पढ़ ली हैं, वो तो गुरु ग्रंथ पढ़कर आ गए हैं, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बहुत चालाक और चतुर हो गए हैं, वो अपना किया हुआ वादा भूल गए हैं। और हमें भोली भाली बेचारी गोपियों को योग संदेश देने के लिए उद्धव को भेजा है। चलत जो होते चुराए, उस मन को हम दोबारा से प्राप्त कर लेंगे जिसको वो चुरा कर चले गए थे। ते क्यों एनिति करे आपुन,
ते यानी कि वे श्री कृष्ण अनीति यानी कि अन्याय गलत कार्य अपने आप से क्यों कर रहे हैं, और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीति को दूसरों के गलत कार्यों को छुड़ाते थे वो हमारे साथ अनीति का काम क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाही सताई, और राजा का धर्म तो ये होता है, सूरदास जी यहाँ गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि राजधर्म तो ये होता है जो प्रजा को ने जाही सताई, जो प्रजा को नहीं सताता वही एक अच्छा राजा होता है, वही राजधर्म को जानता है। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण तो हम गोपियों को जो उनकी प्रजा के समान है वो हमें सता रहे हैं, वो हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, अपने वचन की मर्यादा नहीं रख रहे हैं, बल्कि हमें योग संदेश की बातें समझा रहे हैं। और यहाँ पर ये भावार्थ भी दिया गया है, आइए जल्दी से इसे भी पढ़ लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण ने तो अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है, राजनीति की बातें समझ ली है, इसलिए स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान सके। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो लगता है गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए उन्होंने। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वे डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, अपने मन को प्राप्त कर लेना चाहिए जो कि वो चुरा कर चले गए थे, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। ये यहाँ पर भाव है, इस पद की व्याख्या हमने कर ली है और समझने के बाद यहाँ पर कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पद को पढ़ने और समझने के बाद आइए प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब उपरोक्त भावार्थ के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? पहले के लोग भले थे क्योंकि वो दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। गोपियों को लगता है कि पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों के भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करते रहते थे, दूसरों की सहायता करते रहते थे। प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया है? प्रस्तुत पद में राजा का धर्म बताया गया है कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को सताता नहीं है बल्कि उसके दुख को दूर करता है। गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युग्म छाटिए, तो पद में ऐसा कोई और जोड़ा है शब्दों का जिसमें अनुप्रास अलंकार है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो आप यहाँ पर ढूंढ कर बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं समाचार सब पाए, तो समाचार और सब में स वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर एक ऐसा युग्म है, अनुप्रास युग्म है। गुरु ग्रंथ का उदाहरण पहले ही दिया गया है। बड़ी बुद्धि में यहाँ पर ब और ब वर्ण की आवृत्ति के कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर अनुप्रास है। तो इस तरह के ये शब्द युग यानी कि दो शब्दों के जोड़े यहाँ पर है, जैसे कि गुरु ग्रंथ में हमारा कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। आगे आपको एक गतिविधि दी गई है और आप देख रहे हैं हर एक कार्य पत्रक में कोई ना कोई गतिविधि के रूप में आपको प्रश्न दिया जाता है। राजा की तरह प्रत्येक मनुष्य का एक धर्म होना चाहिए, अपने मन से ऐसे कुछ नियम लिखिए जो आपको लगता हो कि समाज के लिए जरूरी है। तो जैसे राजा का धर्म यहाँ पर बताया गया है कि जो अपनी प्रजा को नहीं सताता है, वैसे ही हम सब व्यक्तियों का भी कोई ना कोई धर्म होना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही धन हमें अर्जित करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा धन अगर हम अर्जित करते हैं, वस्तुएं अगर एकत्रित करते हैं, तो उनको ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हम दे सकते हैं, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हम बना सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का एक धर्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है उस धर्म के अनुसार किस किस नियम का पालन मनुष्य को करना चाहिए, कौन कौन से नैतिक मूल्य उसके अंदर होने चाहिए, कौन कौन सी बातों का उसको पालन करना चाहिए? जैसे एक राजा का अपना धर्म होता है, वैसे ही हर एक मनुष्य के अंदर किस प्रकार का धर्म होना चाहिए, किस प्रकार की बातों का उसको पालन करना चाहिए? और इस गतिविधि का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। कार्यपत्रक 30 में कुल 3 ही प्रश्न दिए गए थे, एक आपकी गतिविधि थी और ये हमारा कार्यपत्रक यहाँ पर पूरा हो जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, दोनों कार्यपत्रक आप हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।